अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सायरा है और मैं पिछले 15 साल से गायनी के शोबे से मुंसलिक हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है स्वेलिंग इन प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी में जिस्म पर सोजन हो जाना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सायरा है और मैं पिछले 15 साल से गायनी के शोबे से मुंसलिक हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है स्वेलिंग इन प्रेगनेंसी। आम तौर पे आपने जिस्म में सोजिश और स्वेलिंग का नाम तो सुना होगा, लेकिन आज ख़ास तौर पे हम जिस चीज़ पे फोकस करेंगे कि हामला ख़वातीन में जिस्म में सोजिश की शिकायत या स्वेलिंग की शिकायत क्यों हो जाती है और क्या ये एक हमल के साथ कुदरती अमल है या इसकी कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए, इसमें कुदरती वजूहात भी हमने डिस्कस की हुई हैं और इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां भी डिस्कस की हुई हैं जो कि अगर प्रॉपरली ट्रीट ना की जाएं तो वो माँ और बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इस वीडियो के ऊपर लेफ्ट साइड में एक लिंक दिया होगा, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे और उस लिंक को क्लिक करके किसी प्रॉब्लम की सूरत में आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मरहम के थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन की बुकिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और आप क्लिनिक पर विजिट भी कर सकते हैं। चलें अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं जो कि है कि प्रेगनेंसी में सोजन का हो जाना। हमल में जिस्म पे सोजिश का हो जाना कुछ हद तक एक कुदरती अमल भी है, क्योंकि जैसे ही हमल होता है आप ये कहें कि ब्लड वॉल्यूम या खून की गर्दिश में 40 से 45 फीसद इजाफा हो जाता है, तो जिसकी वजह से खून टांगों पे ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। दूसरी वजह यह है कि हमल के दौरान आप क्योंकि वेट गेन कर रहे होते हैं और वो ख़ास तौर पे वर्किंग वूमेंस या ऑफिस वूमेंस जिनका ज़्यादातर टाइम खड़े होकर काम करके गुजरता है या जिनके बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं, जैसे कि अगर कोई बैंक की जॉब कर रही है और उन्होंने 9 से 6 बजे तक चेयर पर बैठ के अपना काम करना है, तो उनमें ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा देखने में आता है। उसके लिए ये है कि आप कोशिश कीजिए कि आप खड़े होने के बाद थोड़ी देर, मतलब 15-20 मिनट के बाद आप थोड़ी देर बैठ जाइए, या आप अगर ऑफिस में बैठ के बहुत देर तक काम कर रही हैं तो आप कोशिश करें कि आप 1-2 घंटे बाद उठ के एक चक्कर लगा लीजिए, या आप अपनी पोजीशन इस तरह रखें कि आप बैठे हुए सामने पवों के लिए एक स्टूल रख लें और उसके ऊपर टांगे सीधी रख लें। अगर आप अपने टांगे या पव लटका के नहीं बैठेंगे तो टांगों के निचले हिस्से में खून उस तरह इकट्ठा नहीं होगा और सोजिश का बायस नहीं बनेगा। अब हम आते हैं, ये तो एक कुदरती बात है जिसकी वजह से मैंने आपको बताया है कि ये जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो ठीक हो जाता है, लेकिन ये भी आप पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा होता है, क्योंकि इस स्वेलिंग की वजह से अक्सर पेशेंट को जूता पूरा नहीं आ रहा होता, उन्हें पांव चलने में मुश्किल होती है। तो उसके लिए ये है कि वो कोशिश करें कि वो प्रॉपर आराम करें और गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ी देर अपने पांवों की टकोर करें, उससे स्वेलिंग वगैरह में फ़र्क पड़ जाता है या जो उनसे पेन रिलेटेड वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात जो कि मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आपको लगे कि आपके पाँव, आपके हाथ, आपके पेट के ऊपर, आंखों के गिर्द सोजिश तेज़ी से बढ़ रही है, या अगर आपको लग रहा है कि एक हफ्ते में आपकी सोजिश पहले से 2 गुना हो गई है, तो उस सूरत में आपने फौरन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रब्ता करना है। हामला औरतों में ब्लड प्रेशर का तनासुब, और ख़ास तौर पे वो औरतें जिनका वज़न ज़्यादा है और जिनका पहला बच्चा है उसमें, या जिनका 5वां या 6ठा बच्चा है, उनमें ब्लड प्रेशर का तनासुब दूसरी औरतों की निस्बत ज़्यादा होता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से बाज़ुकात पेशाब में चर्बी और जिस्म में प्रोटीन की कमी के बायस जिस्म सूजना शुरू हो जाता है, और ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मौज़र है। बच्चे की ग्रोथ भी इससे मुतासर होती है और माँ के अंदर ये जिगर के टेस्टों की खराबी और गुर्दे के टेस्टों की खराबी का बायस बन सकता है अगर इसकी बर वक्त तशखीस और इलाज ना किया जाए तो। तीसरी चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि आप प्रेगनेंसी में अपनी डाइट में प्रोटीन का बकायदा इस्तेमाल कीजिए। प्रोटीन की इस्तेमाल में अंडे हैं, आपके पास फिश है, चिकन है और मीट है। आमतौर पे लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि जी अंडा गर्म होता है और हम वो प्रेगनेंसी में नहीं खा सकते। आप मतवाजन तौर पे तमाम गज़ाएँ इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी कि आप डेली का एक अंडा या आप प्रोटीन की प्रॉपर जो है वो इनटेक करें ताकि जिस्म में प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा हो और ये सोजिश का बायस ना बने। दूसरी बात ये है कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वज़न गेन करने से भी अपने ही वज़न से जो है और यूट्रस के प्रेशर की वजह से टांगों में खून
इकट्ठा हो जाता है और वो भी आप ये सोजिश का बायस बनता है। तीसरी चीज़ ये कि अगर किसी औरत को पहले से गुर्दे का कोई मसला है तो उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। उस सूरत में वो ज़रूरी है कि वो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अपने गुर्दे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी मुसलसल रबते में रहे और हर हमला औरत अपने एंटीनेटल विज़िट पे या अपने महाना चेकअप पे अपना ब्लड प्रेशर और यूरिन में प्रोटीन के लिए ज़रूर चेक करवाए, ताकि अगर ये किसी भी पैथोलॉजिकल वजह से है या किसी बीमारी की वजह से है तो उसकी बर वक्त तशखीस हो सके और उसका प्रॉपर इलाज हो सके। आपके लिए इसमें जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा देर हमल में खड़े होने से इज्तनाब करें। अगर आपके इस तरह के वर्किंग आवर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बैठना पड़ता है तो आप हर 2 घंटे के बाद उठ के 1-2 चक्कर लगाएं ताकि जिस्म में खून की गर्दिश बेहतर हो। इसके अलावा आप अपनी खुराक में नमक का इस्तेमाल कम कीजिए, क्योंकि नमक जो है वो जिस्म में पानी को इकट्ठा करता है और स्वेलिंग में इजाफा करता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर चेकअप के दौरान आप अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाइए और ऑफ एंड ऑन हमल में घर पर में भी ब्लड प्रेशर को चेक करते रहिए, क्योंकि अगर जिस्म में सोजिश तेज़ी से बढ़ रही है और उसके साथ ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आपके और आपके बच्चे की सेहत के लिए मौज़र है। इसके लिए आप फॉर ऊपर वाली वीडियो को क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। आप मरहम के थ्रू मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, और अगर आप अपने इस मसले के लिए फ़ेस टू फेस मिलना चाहते हैं तो आप इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मरहम के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करा के आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखिए। सेहतमंद माँ और सेहतमंद बच्चा हमारा मोटो है। मरहम के थ्रू हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसको ऑप्ट कीजिए और किसी भी मसले की सूरत में ऑनलाइन और इन क्लिनिक विजिट कीजिए।